आपको देख सकता हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपको देख सकता हूँ। वादा किया है और पूरा होगा। मैं जानता हूं तुम्हारी मंजिल कहां है। आप नहीं जानते हैं डॉक्टर साहब, मेरी मंजिल बहुत दूर। क्या मतलब? आज से 14 साल पहले बचपन के रूप में मैंने एक बिजली देखी थी। मैं जल रहा था और बिजली जला रही थी, मगर आकाश को यह खेल पसंद ना आया, पतंगा दीप से अलग कर दिया गया आज तक अलग। तो तुम्हारा घर श्यामनगर नहीं? नहीं, मैं दौलतपुर का रहने वाला। दौलतपुर? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्यामू है डॉक्टर साहब। और वो बिजली कौन थी? सेठ दौलत राम की अकलौती बेटी माला। माला? आप ये नाम सुनकर परेशान क्यों हो गए डॉक्टर साहब? तुम माला से मोहब्बत करते हो? जी हाँ, जिसने कल मेरा घर फूंका था, मुझे आज भी उसी बिजली की तलाश है। बताइए ना डॉक्टर साहब, मुझे कहाँ मिलेगी? बिजली यही है, लेकिन आपने आंखें देने से पहले दर्शन कराने का वादा किया था डॉक्टर साहब। अब आग और ईंधन को एक जगह कर दीजिए, अब बिस्मिल और कातिल का सामना हो जाए। मैं और इंतजार नहीं कर सकता डॉक्टर साहब। कविराज, मैंने तुम्हें दिखाने का वादा किया था, तो तुम देख सकते हो, लेकिन उसे बचपन नहीं याद दिला सकते, इसका वादा मैंने नहीं किया था। मुझे ये शर्त भी मंजूर है, आप एक बार पुजारी को उसकी देवी तक तो पहुंचा दीजिए डॉक्टर साहब। किशोर बाबू, मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। तजर्बे की दुनिया में यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। सच पूछिए तो मोहब्बत की जीत है। कविराज का दिल किसी को देखना चाहता था, मैंने रास्ते का अंधेरा दूर कर दिया। क्यों कविराज? तुम्हें किसी की देखने की तमन्ना थी कविराज? जी हाँ, और वो पूरी होगी। अच्छा, वो कहाँ है और कौन है? उसके दामन तक करीब की नजर जा सकती है, हाथ नहीं पहुंच सकता। खैर, ये कहानी हम फिर सुनेंगे। हाँ, कल हमने तुम्हारे गाने का प्रोग्राम रखा, ठीक है ना? भूल हो गई काकी, अब मुझे खुद ही ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। मगर जाओगे कहाँ? कुछ पता ठिकाना भी मालूम है? थोड़ा मालूम है। थोड़ा किसी से पूछ लूंगी,
ढूंढते ढूंढते तो इंसान भगवान तक पहुंच जाता है। आओ कविराज। का तमाशा देख लिया, एक आग बुझी एक आग लगी आँखों ने मेरी क्या देख लिया, देख लिया मैंने। बेटा तू कौन है, किसके पास आई है? मैं